हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि आप प्रथम छंद के इस प्रथम भाग में हमारे विद्यार्थी देखे थे कि किस प्रकार से दोहा छंद अर्ध सर्वमात्रिक छंद होता है, किस प्रकार से उसमें स्वरांकन आदि किए जाते हैं, अब छंद के इस द्वितीय भाग में छात्रों की बार बार कहने पर मैं छंद सूत्र का यह वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ और किस प्रकार से स्वरांकन होता है, कैसे काव्य में स्वरांकन किया जाता है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद यह समझ में आ जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आप छंद सूत्र को जानें। आपने ऐसा पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक आचार्य पिंगल हैं और इसके लक्षण तैयार इस छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। अब आप जो आचार्य पिंगल द्वारा छंद सूत्र में दिया गया जो उनका सूत्र है उसका मैं यह वर्णन कर रहा हूँ, छात्र ध्यानपूर्वक देखें। छंद सूत्र है प्यारे छात्रों, यह माता राजभान सरगा, यह माता राजभान सरगा। प्यारे छात्रों, ये छंद का सूत्र है। इस छंद सूत्र को आप दो तीन बार वाचन कर लें, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा, ऐसे ऐसे बोल लेंगे तो निश्चित रूप से यह छंद सूत्र आपको याद हो जाएगा। प्यारे छात्रों, इस छंद सूत्र में क्या मिलेगा आपको ये आप जानें कि इस छंद सूत्र में देखें कि आठ प्रकार के गण हैं और पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में कि गणों की संख्या, छंद में गणों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि छंद में गणों की संख्या आठ होती है। आठ कैसी होती है प्यारे छात्रों, आप इसको देखें, यह का तात्पर्य यगण है, गण का तात्पर्य समूह यानी यगण का समूह। तो यगण का समूह अब चिन्ह कैसे लगाएं प्यारे छात्रों, तो आप देखें यह लघु है, इसमें अ है और मा में आ है, तो निश्चित रूप से यह लघु है तो लघु का चिन्ह, और माँ में गुरु है तो गुरु को आ जानते हैं, यश से चिन्हित करते हैं गुरु का चिन्ह, और ता आप देख रहे हैं कि ये भी गुरु है तो यश का चिन्ह। यानी तीन तीन मात्राएं हम क्यों ले रहे हैं प्यारे छात्रों, क्योंकि निश्चित रूप से स्वर जो होते हैं स्वरांकन स्वरों पर होता है, अतः स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इस प्रकार से तीन तीन मात्राओं का एक गण होता है। तो ये गण आप जानिए कि इसमें लघु, गुरु, गुरु, ये तीन मात्राएं किसकी हो गई, यगण की। इसी तरह से मगर ले ले प्यारे छात्रों, तो मगर में आप लिखेंगे मातारा, मातारा में देख रहे हैं तीनों गुरु हैं। इसी प्रकार से तगर को ले लेंगे प्यारे छात्रों, जब तगर को हम लेंगे तो ताराज होगा, जहां जो लेंगे उसी को पढ़ेंगे ताराज, तो ताराज का मतलब हुआ दो गुरु एक लव। इसी प्रकार से रगन को लेंगे प्यारे छात्रों, तो रगन और रगन का राजभा, गुरु लघु गुरु। इसी प्रकार से जगण को लेंगे प्यारे छात्रों, जगण, तो जगण को हम पढ़ेंगे जभान, जभान, ज भा न। इसी प्रकार से प्यारे छात्रों हम भगर को लेंगे और भगर के लिए हम चिन्ह लगाएंगे भानस, गुरु लघु लघु। इसी प्रकार से न का तात्पर्य नगर है प्यारे छात्रों, और नगर को हम जब लेंगे तो लिखेंगे नसल, तीनों लघु। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यगण मगर तगर रगण, यगण मगर तगर रगण, जगण भगण और नगण, और अंतिम बचता है प्यारे छात्रों सगण, और सगण का हम देख रहे हैं तो स ल गा, तो स ल और गा, और अंतिम में प्यारे छात्रों ल बचा है, ल का तात्पर्य है लघु, लघु अलघ के लिए आई चिन्ह, और गा का तात्पर्य है गुरु, तो गुरु का आप यश से चिन्हित करते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों आप यमाता राजभान सगरा छंद सूत्र को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि जहां यश का चिन्ह लगा रहता है प्यारे छात्रों, उसको दो संख्या गिना जाता है, यानी ये दो है, और जहां ये लघु का चिन्ह ये आई से चिन्हित किया जाता है उसका मतलब एक है। अब आप जहां पर स्वरांकन करेंगे तो जहां लघु लगाएंगे तो उसको एक संख्या आप गिनेंगे, और जहां गुरु लगाएंगे वहां दो की संख्या आप गिनेंगे, और इस प्रकार से आप स्वरांकन करेंगे। बार बार छात्र कह रहे थे कि सर हम स्वरांकन करते हैं
लेकिन यह सुरांकन बनता नहीं है। कैसे सुरांकन होता है, क्या उसका नियम है, तो उसके विषय में प्यार छात्रों हम बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप ध्यानपूर्वक समझें कि किस प्रकार से लघु और गुरु का चिन्हांकन किया जाता है। तो प्यारे छात्रों आ जाइए आप स्वरांकन की ओर। ये स्वरांकन छंदों में कैसे किया जाता है इस वीडियो में आप समझिए। तो देखें छात्रों, इसमें लिखा हुआ है सानुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गोच गुरुर्भवे वर्ण संयोगात पूर्वस्य पादांत गोपिवा। तो प्यारे छात्रों इस श्लोक से आपको समझ में आ रहा होगा सानुस्वारस्य यानी अनुस्वार से युक्त जो वर्ण होगा, जिसमें अनुस्वार होगा वह गुरु होगा, और दीर्घस्य जो दीर्घ वर्ण होंगे, बड़े वर्ण होंगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, है ना, ए, ओ, ऐ, औ, ये जितने दीर्घ होंगे वो निश्चित रूप से गुरु संज्ञक होंगे। तो दीर्घ वर्ण जितने होंगे उनका गुरु होगा, दीर्घ जो भी दीर्घ होगा बड़ा वो गुरु होगा, यानी अनुस्वार वाला जो वर्ण होगा गुरु होगा, दीर्घ वाला जो होगा वो गुरु होगा। और क्या होगा, विसर्गोच यानी कोई ऐसा वर्ण जिसमें विसर्ग लगा हो वो भी क्या है छात्रों, वो भी गुरु है। और वर्ण संयोगाद पूर्वश्च, और दो संयोगी व्यंजन वर्ण अगर पास पास होंगे तो निश्चित रूप से पूर्वश्च उसके पहला वाला जो वर्ण होगा वो गुरु होगा। जैसे नम्रता लिखा है, नम्रता, तो आप प्यारे छात्रों देखें कि इसमें म्र में म भी है और र भी है, तो दो जुड़वे वर्ण है। यहाँ लिखा है वर्ण संयोगात यानी दो संयोगी वर्ण से पहले का जो वर्ण होगा, तो आप पहले का वर्ण कौन सा है, न, न में ह्रस्व अ है, और स्वर स्वर का अंकन आप करने चल रहे हैं तो स्वर इसमें अ है, लेकिन दो संयोगी व्यंजन ध्वनियां बाद में है इसलिए पहले का अ क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा प्यारे छात्रों, और यहाँ पर गुरु चिन्हित हो जाएगा। और जो संयोगी है उसमें तो अ ऑलरेडी है ही, तो वो लघु है तो लघु ही रहेगा, और अंतिम में गुरु है तो गुरु रहेगा। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों आपने देखा नम्रता पर चिन्हांकन कैसे हुआ। तो वर्ण संयोगाद पूर्वश्च, तो दो संयोगी व्यंजन वर्णों से पहले का जो स्वर होगा वह गुरु संज्ञक होगा। आगे आ जाएं, पादांत गोपिवा, और जो चरणांत वर्ण होंगे प्यारे छात्रों, जो चरणांत स्वर होगा वह विकल्प पर निर्भर करेगा। विकल्प पर निर्भर करेगा का तात्पर्य समझे, कि जैसे अगर निर्धारित है कि अंतिम में चरणांत वर्ण गुरु या लघु हो, या लघु या गुरु हो, या दो गुरु हैं, अगर ऐसे नियम में छंद के नियम में बताया गया है तो वो छंद में तो निश्चित रूप से गुरु और लघु की योजना करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पादांत में चरणांत में छंद में कोई नियम नहीं बताया गया है तो वह विकल्प पर निर्भर करेगा। कि अगर छंद 10 संख्या बन गई है मात्राओं की और अंतिम में दो और चाहिए तो लघु को गुरु कहा जा सकता है और गुरु को लघु कहा जा सकता है, ये विकल्प पर निर्भर होगा। जो चरणांत जो वर्ण होंगे, चरणांत जो स्वर होगा वह विकल्प पर होता है अगर छंद में नियम नहीं बताया गया है। तो दोहा में हमने बताया था कि सम चरणों के अंत में एक गुरु तथा एक लघु की योजना की जाएगी। जब ऐसे नियम में बताया गया हो कि गुरु होगा उसके बाद लघु होगा तब तो विकल्प आपका नहीं लगेगा, लेकिन अगर चरणांत स्वर में नहीं बताया गया होगा तो निश्चित रूप से आपके आपका विकल्प काम करेगा, वहां आप लघु को गुरु कर सकते हैं और गुरु को लघु कर सकते हैं। ये बात आ जाए प्यारे छात्रों आगे कि मात्रा कैसी होती है। तो एक मात्रा भवे ह्रस्व, जो ह्रस्व स्वर होता है प्यारे छात्रों उस पर एक मात्रा लगती है। जैसे ह्रस्व, जैसे अ है, जैसे क है, तो क में अ है ह्रस्व है, तो या की है, कम क में छोटी ई लगी है, या कु है तो इसमें छोटा लगा है, तो इसमें कह रहा है ये सूत्र श्लोक कि एक मात्रा भवेत ह्रस्व, जो ह्रस्व वर्ण होगा वह एक मात्रा का होगा। और एक मात्रा हमने बताया है कि एक खड़ी पाई खींच देंगे तो एक मात्रा बन जाती है। और द्विमात्रा दीर्घमुच्यते, और इसी का जब प्यारे छात्रों दीर्घ होगा, बड़ा का होगा, बड़ी की होगी, बड़ा कु होगा, तो क्या होगा, दीर्घमुच्यते वह दीर्घ होगा, बड़ा होगा, इसलिए उस पर गुरु होगा, ठीक है। और त्रिमात्रस्तु कृतोगे, और तीन तीन मात्राएं जिसमें होगी प्यारे छात्रों,
कभी कभी आप देखे होंगे कोई मंत्र होता है उसमें उम लिखा होता है, उसके ऊपर ती लिखा होता है। ये तीन का मतलब है कि ये तीन मात्राओं, ये प्लुत का वर्ण है, यानी जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो तीन मात्राओं के समय तक हम इसका वाचन करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम तो ओम क्या है, ओम यहाँ पर प्लुत वर्ण है, इसलिए तीन मात्राओं के समय तक इसका वाचन करना जो होता है, इसलिए यहाँ पर तीन लिखा होता है। तो यहाँ पर बता गया त्रिमात्र प्लुतोगेयो, जो प्लुत वर्ण होता है वह तीन मात्राओं का होता है। लेकिन छंद में प्यारे छात्रों अगर प्लुत वर्ण है भी तब भी वह गुरु संज्ञक ही माना जाता है, वह गुरु से ही चिन्हित किया जाता है। और व्यंजनम जो अर्धमात्रिकम, जो पूर्ण व्यंजन होता है प्यारे छात्रों वह आधी आधी मात्रा का होता है, और छात्र इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि कंपटीशन के परीक्षा में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कि व्यंजनों की कितनी मात्राएं होती हैं, एक होती है, आधी होती है, दो होता है कि तीन। तो इस प्रकार से आप जानते हैं व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम, जो व्यंजन होते हैं वो आधी मात्राओं के होते हैं। व्यंजन मतलब जैसे क में हलंत लगा है तो ये व्यंजन है, और ये व्यंजन की मात्राएं कितनी होगी क्या छात्रों, तो एक बटा दो आधी मात्रा होगी, क्योंकि इस श्लोक में जैसा बताया गया है कि व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, जो व्यंजन होंगे प्यारे छात्रों वो आधी मात्राओं के होंगे। इस प्रकार से सूत्रांकन आप जान सकते हैं। तो आ जाइए प्यारे छात्रों चौपाई छंद, चौपाई छंद यह सममात्रिक है प्यारे छात्रों। क्यों सममात्रिक है आप समझ गए हैं पूर्व के वीडियो में कि तीन प्रकार के मात्रिक छंद हुआ करते हैं, पहला अर्ध सममात्रिक छंद, दूसरा सममात्रिक छंद और तीसरा विषम मात्रिक छंद। तो यह चौपाई छंद जो है वह सममात्रिक है, इसके चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, अतः यह सममात्रिक है। तो आप चौपाई छंद की का लक्षण लिखेंगे प्यारे छात्रों, और लक्षण में आपको लिखना चाहिए कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, इसमें चार चरण होते हैं जिसमें प्रथम तथा द्वितीय तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चारों चरणों में 16-16 मात्राएं, 16-16 मात्राओं का योग होता है। और क्या नाम होता है, और इसके चरणांक में प्यारे छात्रों जतन जतन, यानी कि जगड़ और तगड़ नहीं हुआ, चौपाई जतन आप इसको ध्यान में रखिएगा, चौपाई जतन यानी कि जिसमें जगड़ और तगड़ का निषेध है, यानी इस चौपाई छंद में अंतिम में चरणांत में न तो जगड़ होगा, और जगड़ में आपने पढ़ा था जभान जभान, यानी अंतिम में इस प्रकार की मात्राएं चौपाई में नहीं होगी, और तगड़ आप पढ़े हैं ताराज ताराज, और न तो तगड़ होगा, तो न तो जगड़ होगा और न तो तगड़ होगा, यानी चरणांत में जगड़ और तगड़ का निषेध होता है। और बाकी आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि यह चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण चाहे वो सम हो चाहे विषम चरण, प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राओं का योग होता है। साथ ही साथ इसके चरणांत में जगड़ और तगड़ का निषेध किया जाता है, जगड़ जैसे उदाहरण देख ले, जैसे बिनु पद चले असुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक बिनु वाणी तो आप इसी को देखिए उदाहरण में। अब इस पर सुरांगन करें प्यारे छात्रों, आप बिनु देख रहे हैं लघु है, लघु 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 गुरु,
ए ओ ए ओ ये सब क्या है, गुरु है। सु ने बी नु का ना, क र बी नु। अब देखिए इसमें जुड़वा है, दो संयोगी वर्ण है प्यारे छात्रों, इसलिए का जो ह्रस्व अ है वो क्या हो गया, गुरु हो गया। कर्म क रे बी धी ना ना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। अब गिन ले प्यारे छात्रों, तो एक दो तीन चार पांच दो सात आठ दो दस ग्यारह बारह दो चौदह दो सोलह, यानी एक चरण में सोलह मिली। दूसरे में देखें प्यारे छात्रों, एक दो तीन चार, चार दो छह, छह एक सात, आठ दो दस ग्यारह बारह दो चौदह दो सोलह, इसमें भी सोलह मिल गए प्यारे छात्रों। और फिर तीसरे चरण में आप देखें, दो एक तीन एक चार एक पांच एक छह एक सात आठ नौ दस, दस दो बारह दो चौदह दो सोलह, इसमें भी सोलह है। और अंतिम में देखें बिनु में, एक दो दो चार दो छह एक सात आठ दो दस ग्यारह बारह दो चौदह दो सोलह, तो इसमें भी सोलह मात्राएं मिल गई। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से जो चौपाई छंद का लक्षण घटित हुआ प्यारे छात्रों, वो सारे स्वरांकन में आपने देख लिया कि निश्चित रूप से इस प्रकार से छंद। अब क्या नहीं होना चाहिए था प्यारे छात्रों, यहाँ जबर नहीं होना चाहिए था और यहाँ जबर है भी नहीं। आई यस आई, आई यस आई देखिए अंतिम में नहीं है, तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों और न तो तगड़ का यस यस आई है, और यस यस आई में भी आपको चरणांत में नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों आप चौपाई छंद को जान गए होंगे। तो इस प्रकार से हम चौपाई छंद आपको बताए, और ध्यान पूर्वक आप एक से दो बार देखेंगे प्यारे छात्रों, तो यह छंद आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।